ऑन एवरीबॉडी, इस मोमेंट का एक फैमिली सेल्फी हो जाए। सोशल मीडिया पे मेरे फॉलोअर्स कब से मेरी और ओबेरॉय ब्रदर्स की पिक चाहते हैं। एंड आई गेस यूनिवर्स ने आज का ही दिन डिसाइड किया है उस पिक के लिए। सो लेट्स डू इट एंड लॉर्ड कृष्णा को सेंटर में रखेंगे। रुद्र, किसके इनवाइट का वेट कर रहा है? भैया, फ्रेम में ना कुछ गड़बड़ी लग रही है। एक मिनट। दादी गए। लेडी पापा, मुझे। व्हाट? आओ, मैं आपको बताता हूँ आपको कहाँ खड़े। अरे, जल्दी आओ। रुद्र, what are you doing? जल्दी। यहाँ पे खड़ी। नहीं, सुमो, उस तरफ जा। भैया, इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। लेडी पापा, इस तरफ जाओ। रिंकू, इस तरफ आ, जल्दी। नहीं, भैया आप इतना दूर क्या कर रहे हो? इधर आओ। आओ, आ गए। पापा के पास खड़े। यहाँ पे। नहीं, अनिका दीदी इतना दूर कैसे हो पाएगा? जल्दी आओ ना यार। ये, बिल्कुल ऐसे। परफेक्ट। हटो। परफेक्ट। अल्लाह टक्कर। दादी, मैं बस चलती हूँ अब। है? इतनी रात हो गई है, ऐसे कैसे जाएगी? मैं तुझे भेजने का इंतजाम करती हूँ। हम्म? ए, कोई है? मैं छोड़ के आता हूँ। क्या ऐसे क्यों देख रहे? Why? What, why? अनिका को छोड़ने क्यों जाएगा? शायद उसने हमारी फैमिली की जान बचाई है फिर से। इतना तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, उसने हमारी फैमिली की जान बचाई है तो जाने की जरूरत नहीं है। और कौन जाएगा? तूने तो मना कर दिया। मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। अनिका, दादी मैं अनिका को छोड़ दूं। रियली? वापस आता हूँ, लौट कर बात करें। या वी हैव टू। जाओ भैया, जल्दी आना। कोई जल्दी नहीं, आराम से आना। इफेक्ट अच्छा है तू उसे ड्रॉप करने जा रहा है। आज तू उस पे फिर से चलाया, उसने फिर से हमारी फैमिली की जान बचाई। तुझे एक चांस मिलना चाहिए ना उसे आराम से थैंक यू सॉरी बोलने का। चलिए। जाइए। चलिए। जो मैं तुम पे चिल्लाया उसके लिए Come on, शिवाय, say sorry. आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो आज जो तुमने दिया बोलिए ना। आज जो मैंने किया उसके लिए क्या? देखो तुम बहुत जिम्मेदार। जिम्मेदार? मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज जो हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार? वाह। मेरा मतलब था कि मैं जानती हूँ आपका मतलब क्या था।
हर चीज के लिए वैसे भी आप मुझे ही तो जिम्मेदार ठहराते हैं। तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? अच्छा, अभी आपने कहा जो कुछ भी हो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे प्लीज मेरी बात पूरी करने। आपकी हर बात मुझ पर इल्जाम लगाने पे ही तो पूरी होती है। हर चीज में आपको मेरी गलती दिखाई देती है। जैसे मेटल डिटेक्टर होता वैसे आप अनिका के गलती डिटेक्टर। मैं ही पागल। मैंने साहिल को बोला कि आप जितने बुरे दिखते उतने बुरे आप हैं नहीं। लेकिन आपको एक बात बता, आप में एक भी अच्छी चीज है। और मैं यहाँ तुम्हें सॉरी और थैंक्स बोलने चला। स्टूपिड, हम स्टूपिड। आप मुझे सॉरी और थैंक्स बोलने वाले? जब आप मुझे सॉरी और थैंक्स बोलने वाले थे तो बोला क्यों नहीं? जब मुझसे लड़ाई करनी होती है तब आपकी जुबान तो एकदम कैंची की तरह चली। जब ऐसी बात आती है कुछ थैंक यू सॉरी बोलने की तो आपकी गैर क्यों अटक जाते हैं? अच्छा तो आप सॉरी बोल दीजिए। सॉरी तो वो बोले ना जिसके अंदर कोई अच्छी बात। लेकिन मेरे अंदर तो कोई अच्छी बात नहीं, right? यही तो पॉइंट है। आप सॉरी बोलिए और ये प्रूव कीजिए कि आपके अंदर अच्छी बात है। बोलिए, लंबी सांस लीजिए, बोलिए सॉरी, बोलिए ना, बोलिए। ओके, आई 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 नीड टाइम टू प्रिपेयर। नृत्य नाटक ना पेश करना है जो आपको तैयारियां करनी है। नृत्य नाटक? मेरा घर। हाँ? मेरा घर आके गाड़ी रोकी। आपको एक बात बताऊं, आप ना किसी को सॉरी नहीं बोल सकते क्योंकि आपने सॉरी बोलना सीखा ही नहीं। सॉरी सॉरी। भैया 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 से पूछते। अनिका को ड्रॉप किया? इतने उतावले हो रहे थे तो ड्रॉप तो किया ही हुआ ना। मुझे यही बात समझ में नहीं। I mean, पहले कहा कि मैं ड्रॉप नहीं करूंगा, फिर ड्रॉप करके आया। What's going on? I was just worried about our family. तो भैया फैमिली को ड्रॉप करना चाहिए था ना? फिक्र किसी को ड्रॉप किसी और को करके आ गए। तुझे बात कभी समझ नहीं आती क्या? हमारे घर पर जो अटैक्स हुए थे उसमें तबीयत खराब हो गई थी एंड आई वाज जस्ट मेकिंग श्योर कि वो सही सलामत घर चली जाए। अगर उसे कुछ हो जाता तो लोग तो यही कहते ना कि ओबरॉयज अपने स्टाफ की देखभाल भी ठीक ठीक ढंग से नहीं कर सकते। जस्ट ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिवाइस सिंह ओब्रॉय अपने स्टाफ की कितनी देखभाल करता है, उन्हें घर तक छोड़ के आता है। और अगर कोई और जाना चाहे तो उसे जाने भी नहीं देते। सर, तुम लोगों को जो सोचना है सोचो। ओके, आई एम जस्ट वरीड अबाउट आवर फैमिली, आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट ऑल ऑफ यू। कंसर्न से आ रहा है भैया, ये देखो इस फोटो में कितना कंसर्न दिख रहा है। पर फैमिली के लिए नहीं। पानी क्यों फेंका बिल्लू जी? Really? सिर्फ तुम मुझ पर पानी फेंक सकती हो पनिका? मेरा नाम मत बिगाड़िए। ओहो, really? ठीक है, मैं आपको नहीं बोलूंगी बिल्लू। आगे से बैठ। और जितनी बार तुमने मुझ पर पानी फेंका है ना, मैं उसका बदला लूंगा। एंड रिमेम्बर, शिवाय सिंह ओबेरॉय हर चीज
इंटरेस्ट के साथ लौटा था। तो आप क्या करेंगे? मतलब हर हर बार बदला लेने के लिए मुझ पे पानी फेंकेंगे? मेरे पीछे वाटर टैंकर लेकर घूमेंगे? Yes, I will. क्या हुआ दीदी? होना कैसा है? ऐसे सोने ना बदला लेने के लिए जानबूझकर मुझ पे पानी फेंका था, पक्का। दीदी आपने तो मुझसे कहा था कि ऐसे सोने आपकी जान बचाई, उसने आप पे पानी फेंका, आपने उस पे पानी फेंका, बात खत्म फिट्टूस। नहीं साहिल, ऐसे सोने ना जानबूझकर मुझ पे पानी फेंका। मुझे होश में लाने के और भी तो तरीके हो सकते थे, अगर उन्होंने पानी क्यों फेंका? क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहते थे और मैं बेहोश थी, मैं तो कुछ कर नहीं सकती थी। आज पक्का ना बागड़ बिल्ले जी स्माइल करके सो रहे होंगे आराम से। चल कुछ हो जाना। पागल लड़की है। सालिम सिंह ओब्रॉय कहीं का। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।